गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही खास है। ये जो लेक्चर है इस टॉपिक में जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये डेली, ये जो टॉपिक है वो हमारे घरों से रिलेटेड है। सबके घर में वायर्स का कनेक्शन होता है, कुछ घर ऐसे होंगे जिसमें नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे घर से जहाँ पे वायर्स होते हैं, हमारे घर के बाहर जब हम निकलते हैं मुंह बना के देखते हैं जब लाइट चली जाती है, तो उस पोल में जो कनेक्शन दिया रहता है ऐसे तीन तार गए रहते हैं, सही बात है। तो हमें ये जानना है कि हमारे घर के अंदर कभी कभी देखो क्या होता है, अचानक से लाइट ज्यादा तेज हो जाती है, ब्राइट, कभी कभी डिम हो जाती है, मींस मोर, कभी सब जो वोल्टेज वो बढ़ जाता है तो वोल्टेज कभी कम हो जाता है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, कभी कभी बल्ब फ्यूज हो जाता है उड़ जाता है, और कभी कभी ज्यादा लाइट आती है तो कनेक्शन जल जाता है। तो वहां पे एक फ्यूज वायर लगा होता है, हमारे घर का जो स्विच बोर्ड होता है उस बोर्ड में एक छोटा सा फ्यूज होता है, जब तुम इस फ्यूज को निकालोगे तो एक पतली सी तार ऐसी लगी होती है, बहुत पतली होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है ताकि हाई वोल्टेज आए तो तुरंत वो जल जाए। तो कुछ ऐसे हम यहाँ पे देखना है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चौथा चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। फ्यूज वायर इज यूज एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, मतलब जो हम फ्यूज वायर यूज करने वाले वो प्रिकॉशन के तौर पर यूज करना है ताकि हमारे घर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वो डैमेज ना हो जाए, इसलिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन सी बातें हैं चलो देखते हैं अच्छे से। सबसे पहला पॉइंट है होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है उसमें किस तरह के और कितने वायर यूज होते हैं। हम बात कर रहे हैं होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ थ्री वायर्स, एक दो तीन, ठीक है, ये तीन वायर्स हैं। पहला वायर जो होता है L मतलब लाइव वायर, दूसरा होता है N मतलब न्यूट्रल वायर, और तीसरा जो E है वो है अर्थ। लाइव और न्यूट्रल वायर एक साथ होते हैं और अर्थ किससे होता है, ग्राउंड से होता है, और अर्थिंग को हम कैसे डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, ये अर्थ होता है, ठीक है। तो होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ थ्री वायर्स, फर्स्ट लाइव वायर, सेकेंड न्यूट्रल वायर एंड थर्ड अर्थ। अब जो लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर है इनके पीछे पोटेंशियल होता है, एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल, तो उनके पीछे तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वायर्स लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स, तो लाइव और न्यूट्रल वायर्स के पीछे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है 240 वोल्ट, कितना होता है 240 वोल्ट, सॉरी 220 वोल्ट होता है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। सलमान खान को कितने वोल्ट का झटका लगता है, 440 वोल्ट का, तो इसका आधा याद रखना 220 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स इज 220 वोल्ट, तो उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब जो अर्थ होता है वो किससे कनेक्ट होता है, ग्राउंड से, किससे होता है, ग्राउंड से। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच का है, ठीक है। अब लार्ज करंट का फ्लो होता है, क्या होता है, ठीक है, अगर कोई इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, कोई भी इक्विपमेंट, अगर उसमें उस में जो भी वायर हम यूज किए लाइव और न्यूट्रल, अगर उस वायर के ऊपर का जो कोटिंग होता है, क्या होता है कोटिंग, मान लो ये वायर है और इसके ऊपर ऐसा इंसुलेटर होता है, तो ये जो कोटिंग होता है वो कोटिंग इंसुलेटिंग मटेरियल से बना होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल हम उसे कह सकते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। अब ये जो कोटिंग होता है, अगर मान लो कोई डिवाइस हम देर तक इस्तेमाल कर लो, बहुत हीट हो गया, हीट होने में से क्या होता है, उसमें जो वायर है वो हीट से उसके ऊपर जो कोटिंग है वो कोटिंग शायद मेल्ट हो सकता है, या फिर कोई चूहे वगैरह होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं इस कोटिंग को अपने दांतों से खा खा के खत्म कर देते, खाते रहते जब अंदर से कॉपर का लेयर आता है, जैसे उसको खाने आते हैं खत्म, क्यों, जब तक कोटिंग था तब तक खाए, जैसे करंट लगा वो मर जाते हैं, ठीक है। तो ये कोटिंग हटने से क्या होता है कि जो लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर, ठीक है, ड्यू टू सम फॉल्ट इन इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिकल डिवाइस द आउटर लेयर ऑफ दिस वायर इज अवे,
एंड दीज टू वायर्स लाइव एंड न्यूट्रल बोथ आर इन कमिंग कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, वेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर आर कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में आ गए. जैसे कॉन्टेक्ट में आते हैं, इस वायर का रेजिस्टेंस, उसमें जो करंट फ्लो है, वो रेजिस्टेंस बहुत ही लो हो जाता है. अब रेजिस्टेंस लो होने की वजह से इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो बहुत हाई हो जाता है. हाई करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉन्टेक्ट. अब जैसे हाई करंट फ्लो होता है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, कोलिजन होता है. क्या होता है? कोलिजन, टकराव होता है, जिसके कारण बड़ी मात्रा में वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है. अब वो हीट जो स्पार्क जिसे हम चिंगारी कहते हैं, वो हीट प्रोड्यूस होता है, हीट से वो जलने लगता है और चिंगारी निकलने लग जाती है. स्पार्क प्रोड्यूसिंग ड्यू टू लार्ज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कनेक्शन. जैसे हीट प्रोड्यूस होता है, अगर मान लो यहां पे हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया, अगर उसके आस पास कहीं भी अगर कोई जैसे क्लोथ, वुड, प्लास्टिक, ऐसे मटेरियल है, ठीक है, इनफ्लामेबल, जिसमें आग लग सकती है, अगर ऐसे मटेरियल में वो स्पार्क गिरेगा तो वहां पे क्या लगता है, आग लग सकती है, इट कैचेस फायर. तो उसको अवॉइड करने के लिए देखो यहां पे लार्ज करंट क्यू फ्लो हुआ, मैंने समझाया क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस किया वहां पे आग लग सकती है. उस आग जो लगने वाली मींस इनफ्लेमेबल मटेरियल सच एज वुड, प्लास्टिक, क्लोथ कैचेस फायर. टू अवॉइड दिस एक्सीडेंट, इस अपघात को, इस एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज इस्तेमाल करते हैं. क्या इस्तेमाल करते हैं? फ्यूज. तो अब वो जो फ्यूज वायर होती है पतली सी, ये समझे कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है. तो इसमें जो फ्यूज है क्या होता है, ये फ्यूज जो है, मान लो ये फ्यूज बना है 220 से लेके 240 वोल्ट को झेलने के लिए बना, मतलब इसकी जो टैकल कर, टैकल मतलब झेलने की क्षमता, वो कितना वोल्टेज झेल सकता है, तो उसकी कैपेसिटी है 220 से 240 वोल्ट. मान लो अचानक से वहां से सप्लाई में से 300 वोल्ट आ गया, कितना, 300 से 350 वोल्ट. अब क्या करेगा, 300 से 350 वोल्ट ये झेल नहीं सकता, तो क्या होगा, जैसे 300 से 350 वोल्ट इस वायर के अंदर आएगा तो क्या होता है कि ये एकदम हीट हो जाता है. हीट होते होते क्या होता है, अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बना था कम से कम मान लो 290 वोल्ट की, 294. अब 300 आ गया तो 300 झेल नहीं पाता. अब समझो 290 या 280 या 270 के हिसाब से कम रहता है, और तुरंत क्या होता है, जैसे एकदम हीट रेड हॉट हो जाता है, रेड हॉट, और एक टाइम ऐसा आता है वो मेल्ट हो जाता है. मेल्ट होने से क्या होता है, ये जो फ्यूज था मेल्ट होने से ये ब्रेक हो जाता है, और जैसे ब्रेक होता है तो पूरा सर्किट क्या होता है, शट डाउन हो जाता है. मीन्स व्हाट, कि जो पोल से सप्लाई आया है हमारे बोर्ड तक, फ्यूज वहीं पे मेल्ट हुआ. क्यों, हमारे घरों में जितने भी डिवाइसेस है, टीवी ले लो, एसी ले लो, फ्रिज ले लो, बल्ब ले लो, फैन ले लो, ये सारों का कनेक्शन कहाँ है, फ्यूज. फ्यूज का मतलब जहां सारे आके मिलते हैं, वो फ्यूज कंडक्टर, वो जंक्शन. तो जैसे फ्यूज उड़ता है तो बाकी जगह सप्लाई जाना बंद हो जाता है, जिसके कारण हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस सेफली बच सकते हैं, उनका नुकसान नहीं होगा, ठीक है. इसलिए हम इसलिए कहा गया है कि मेल्टिंग ऑफ फ्यूज वायर, दैट इज वायर फ्यूज वायर इज यूज एज अ प्रिकॉशनरी मेजर. समझ में, ज्यादातर ये कब होता है, समर सीजन में. क्या होता है, समर सीजन में. अब समर सीजन में होता है क्या, तो मैंने अच्छे तरीके से तुम्हें समझाया है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पूरा पैराग्राफ दिया है, वैसे ही अच्छे से तुम्हें याद करना जो सारी बातें मैंने बता दी. अब आते हैं हम समर सीजन की बात करते हैं, ठीक है. अब ज्यादातर सर ये बल्ब जो लाइट्स होते जब ज्यादा उड़ते गए, अब ज्यादा उड़ते गए मतलब अब लोड कम बढ़ गया. अब बात करते हैं लोड, किसी भी सर्किट पे लोड कम बढ़ता है. लोड का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा इस्तेमाल करना, ठीक है. लोड कैसे होता है, अब गर्मी में क्या होता है, गर्मी में बहुत गर्मी होती है, इससे हम सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, फैन का इस्तेमाल करते हैं, एसी का इस्तेमाल करते हैं, एज अ रेफ्रिजरेटर जो होते हैं उसका भी इस्तेमाल होता है बहुत बड़े पैमाने में, और लाइट्स तो यूज होती है. तो ज्यादातर ये फैन, एसी और रेफ्रिजरेटर ये
बाकी जो सीजन होते हैं ये समर सीजन में हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसका, जैसे विंटर हो गया और रेनी सीजन हो गया। विंटर मतलब ठंडी का मौसम, रेनी सीजन और बारिश का मौसम। अब रेनी सीजन में क्या होता है, हम ज्यादा ठंडा पानी पीना पसंद नहीं करते। बारिश में ऑलरेडी थोड़ा सा ठंडा रहता है इसलिए हम ज्यादा एसी वगैरह यूज नहीं करते। विंटर की तो बात ही छोड़ो, उसमें तो ठंडी होती है तो वहाँ एसी हम ज्यादा नहीं चलाते, ना ज्यादा फैन चलाते ना ही ज्यादा रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे तुम देखोगे तुम्हारा जो लाइट बिल आता है लाइट बिल करेगा, उस लाइट बिल में तुम देखना ऐसे टोटल 12 महीने होते, तो इसे पट्टा होता है। क्या होता है ऐसा पट्टा होता है, ये सर ये पट्टा किस तरह ऐसे बैंड्स होते हैं। तो क्या होता है ये पट्टा किसी देखना, जो गर्मी का महीना होता है चार, उस चार महीने में पट्टा सबसे आगे गया रहता है मस्त। और बाकी ठंडी की सीजन में कम रहता है, बारिश में थोड़ा कम रहता है। तो ज्यादा गर्मी में तुम बड़ा दिखेगा, देखना लाइट बिल आगे देखना, उसमें से 12 महीने का पूरा आंकड़ा होता है, उस 12 महीने का जो रीडिंग होता है उसमें से जैसे हम बताते ना वो ग्राफ वगैरह प्लॉट करते हैं ठीक है, तो बता दें किस महीने में ज्यादा गया, ऐसा हॉरिजॉन्टली बनाया करते हैं। तो गर्मी का जो जो भी रीडिंग होगा वो सबसे ज्यादा होता है, क्यों, वहां पे उसका इस्तेमाल ज्यादा हुआ रहता है। लोड का मतलब क्या, अगर एक ही समय मान लो एक स्विच बोर्ड है, अब एक ही बार में क्या क्या फैन क्या है फैन एसी रेफ्रिजरेटर और ये तो मैं भूल ही गया ठीक है टेलीविजन एक ही साथ तुम सब कुछ, उस समय एक औरत क्या करती है मिक्सर चला रही ठीक है, पता नहीं फ्रिज एसी रेफ्रिजरेटर टीवी सब चल रहा है उसी में मिक्सर भी चला दी, चलो अब सब कुछ एक ही समय ऑन है तो क्या होता है इसके ऊपर लोड आता है, क्या आता है लोड। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सामान लेके जा रहा हूँ, चलो मेरे हाथ में एक थैला दे दिया और एक हाथ में थैला ठीक है, मैं दो लेके रख दिया। अब क्या करें, एक साथ दो थैला हाथ में, सर पे कुछ रख दिया, यहाँ पे दो अच्छे थैला लटका दिया, सब कुछ एक साथ दे दिया मेरे पास चार पांच थैला, तो मेरे पे लोड आया कि नहीं। सेम वैसे सर्किट के ऊपर होता है, तुम यार एक एक चीज इस्तेमाल करो ना, तुम एक साथ सब कुछ चला रहे हो तो किस किस को सप्लाई देगा, और सप्लाई देंगे उसको वहां से विड्रॉल भी चाहिए फटाफट, तो क्या होता है इसके ऊपर लोड पड़ता है, प्रेशर आता है, जिसके कारण क्या होता है ये उड़ जाता है। और ये ज्यादातर कब होता है, समर सीजन में, कब होता है समर सीजन में ठीक। तो आज का टॉपिक था हमारा कि फ्यूज कंडक्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं और आग क्यों लगती है ठीक है। अब इसमें ओवरलोडिंग बात है, अब मैं तुम्हें टॉपिक जो लोड का बता था, अब इसके अगले जो टॉपिक में पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक होगा, एक होता शॉर्ट सर्किट होगा और दूसरा ओवरलोडिंग। ये दो टॉपिक, शॉर्ट सर्किट जो है वो आज जो मैंने बताया वायर का कुछ इसी तरीके से रहेगा, पर मैं दो अलग दो टॉपिक बता हुआ, एक शॉर्ट सर्किट का एक ओवरलोडिंग का। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, राइट इज शॉर्ट नोट ऑन शॉर्ट सर्किट, या फिर राइट इज शॉर्ट नोट ऑन ओवरलोडिंग, तो दोनों अच्छे से तुम्हें मैं बताने वाला हूँ। तो आज ये बताया कि हम फ्यूज कंडक्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं ठीक है ओके।